जहन साथियों, आप सबको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, जिस जानकारी का बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो अपडेट आ चुका है, वो जानकारी आ चुका है और झंझारपुर लोखा रेलखंड में जो है सो ट्रेन चालू होने जा रहा है दोस्तों। तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो कि कब तक चालू होगा और जो है सो हिंदुस्तान चैनल वालों ने ही जो है सो इस चीज़ को रिलीज किया है, इस चीज़ को अपने पेपर में छाप कर जो है सो इस चीज़ को रिलीज किया है। तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगा। अगर आप सबसे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को बराबर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिए। और वीडियो अच्छा लगी तो लास्ट में जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा और उस कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखकर जरूर बताइएगा और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में मैं आप सबको ये भी बता दूँ कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल को जो है सो अब लहान से काठमांडू जाना भी हो गया आसान। तो आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी सारा अपडेट दे रहा हूँ, तो आप सब जो है सो वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, समस्तीपुर के DRM ने कहा जून अंतिम तक लौकहा बाजार तक चलेगा ट्रेन, तैयारी में जुटा विभाग। इसी माह लौकहा बाजार से जुड़ेगा फिर कोसी भी इसी माह जुड़ने वाला है जो कि लौकहा बाजार से बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगा। और पड़ोसी देश नेपाल का लहान व काठमांडू जाना होगा आसान। और साथ ही में ये भी बता दें दोस्तों कि यात्रियों का ट्रैफिक बढ़ने का ज़्यादातर उम्मीद है क्योंकि झंझारपुर लौकहा रेलखंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दे दिया गया है, उसके मुताबिक ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें कि लौकहा बाजार वर्ष 1996 में संस्कृत 2006 किलोमीटर वाले सहरसा फोरबिसगंज निर्मली लौकहा बाजार अमान परिवर्तन कार्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और साथ में दोस्तों, जगबोनी के यात्री सहरसा व जगबोनी से जाने वाली ट्रेन से झंझारपुर पहुंचकर फिर इसके बाद झंझारपुर से लौकहा बाजार चले जाएंगे। इसके लिए रूट तो बना ही दिए गए हैं। सड़क मार्ग के मुकाबले ट्रेन का सफ़र मस्त और सुलभ होगा। झंझारपुर लौकहा बाजार के बीच होंगे यह स्टेशन, झंझारपुर लौकहा महड़ेल, इसके बाद चंदेश्वर स्थान, वाचस्पति नगर, इसके बाद खोटौना स्टेशन, इसके बाद लौकहा स्टेशन। ये सारे स्टेशन झंझारपुर लौकहा रेलखंड में पड़े। और इसके बाद दाएं साइड ये पढ़ सकते हैं आप लोग, पड़ोसी देश नेपाल का लहान व काठमांडू जाना होगा आसान। लौकहा बाजार से पड़ोसी देश नेपाल का लहान और काठमांडू जाना होगा आसान। लौकहा बाजार के समीप वाला नेपाल का थाटी से 18 किलोमीटर उत्तर में लाइन है जहाँ कम खर्च में आँख का इलाज होता है, ऑपरेशन होता है और देश और विदेश के लोग वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि लहान में वहाँ पहुँचकर आसानी से कम रेट में जो है सो इलाज हो जाता है। खास बात यह है कि बिहार के लौकहा बाजार और नेपाल के थाटी को आपसी व्यापार के लिए सहमत मार्ग घोषित कर रखा है क्योंकि ये बहुत ही सहमत मार्ग है। जितना भी सामान आते जाते हैं जो कि भारत से जाना हो नेपाल तो जो है सो इसी मार्ग से होते हुए जाते हैं। साथ में बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि इस जून को ख़त्म होते होते लास्ट टू लास्ट जो है सो इस रूट में ट्रेन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको जानकारी? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।